हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी का टॉपिक आगे देखते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हालांकि दोनों मोर और लेस सेम ही चलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कुछ गैस है जो लिक्विड में डिजोल्व होते हैं, सारे गैसेस लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, कुछ गैसेस है जो लिक्विड में डिजोल्व होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन वाटर में बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में डिजोल्व होता है, हमने एनवायरनमेंट चैप्टर में देखा था। ऑक्सीजन वाटर के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होता है, और जो डिजोल्व हो गया उसको हम कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब डीओ, विच हेल्प्स एक्वेटिक लाइफ टू सस्टेन। एक्वेटिक लाइफ होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करके ही सस्टेन होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज हाईली सॉल्युबल गैस इन वाटर। HCl वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है। अब ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा नहीं है, बाकी वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, प्रेशर, टेम्परेचर, उसके अलावा नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, चारों पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पर दो ही फैक्टर डिस्कस किए, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर बहुत ही लार्ज अमाउंट में दिए, ये सारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये सब है। तो प्रेशर में हमको पता है कि एज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, अगर मान लो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ेगी। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी, प्रेशर इंक्रीज होगा, वैसे इंक्रीज होगी। उसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंटेनर है, उसमें यहाँ सॉल्यूशन भरा है। कंटेनर में यहाँ पर क्या भरा है? सॉल्यूशन लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट में गैस है, गैस ही इसमें डिजोल्व हुआ है। वेट यहाँ रख के कुछ प्रेशर एग्जर्ट किया है, राइट? तो हियर देर इज़ ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिजॉल्व गैस एंड सॉल्यूशन। यहाँ पर गैस और ये सॉल्यूशन के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश्ड है। अब इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स कि जितने गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे उतने ही गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में से गैस के फॉर्म में बाहर आएंगे। जितने गैस के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डिजोल्व होंगे उतने ही डिजोल्व गैस के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, और गैस और सॉल्यूशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश्ड होगा, तब गैस की यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी कांस्टेंट होगी, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रेशर बढ़ा देता हूँ, वेट बढ़ा दिया, देखो मैंने, है ना, जो यहाँ पर वेट पुटअप किया है वो बढ़ा दिया। जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो गैस, हमको पता है कंप्रेसिबल है, तो गैस कंप्रेस होगा। जैसे ही गैस कंप्रेस होगा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो गैस के पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे, मतलब डेंस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर से, जैसे यहाँ वेट बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, गैस कंप्रेस होगा। जैसे ही गैस कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम है बट मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस तो उतने ही है, तो
पास पास आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास अरेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन की सरफेस पे कलाइजन करते थे, वो नंबर ऑफ कलाइजन भी बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एंटरिंग इनटू सॉल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि कलाइजन बढ़ गए तो अंदर जो दाखिल हो रहे गैस के मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में एंटर हो रहे उसके नंबर भी बढ़ जाएंगे। अब जैसे गैस ज़्यादा अंदर जाता जाएगा वैसे यहाँ गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सॉल्युबिलिटी कब तक बढ़ेगी? जब तक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो, राइट। तो एक बार फिर से समझते हैं, एकदम कंसेप्चुअल है। पहले यहाँ लिया एक बीकर, उसमें यहाँ सॉल्यूशन है, ऊपर गैस है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। दोनों के बीच में क्या है? एक इक्विलिब्रियम है, मतलब जितने गैसियस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे उतने सॉल्यूशन में से गैस के मॉलिक्यूल अनडिसॉल्व होके बाहर आ रहे। तो गैस का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होगा, मतलब कि सॉल्युबिलिटी कॉन्स्टेंट होगी। अब मैंने यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया, गैस के ऊपर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा कर दिया। जैसे ही प्रेशर गैस के ऊपर मैंने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल डेंस हो जाएंगे नज़दीक, तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कलाइडिंग विथ सॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन पे कलाइजन बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंटरिंग इनटू सॉल्यूशन भी इंक्रीज होगा, तो गैस का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉल्यूशन के अंदर गैस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, मतलब गैस की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। अच्छा, कब तक ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा? जब तक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। अब ये एक्स्ट्रा 11th का कंसेप्ट समझ लो, पार्शियल प्रेशर। मान लो ये सॉल्यूशन है, उसके ऊपर दो गैसेस का मिक्सचर है ए एंड बी। यहाँ पर सॉल्यूशन है, उसके ऊपर दो गैसेस का मिक्सचर है, गैस ए एंड गैस बी। ए और बी दो गैसेस का यहाँ पर मिक्सचर है, राइट, गैस ए एंड गैस बी। अब ये मिक्सचर ऑफ गैस है, तो कुछ प्रेशर ए लगाएगा सरफेस पे या वेसल की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, और कुछ प्रेशर बी लगाएगा। तो ए का जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए, ए का जो पर्सनल प्रेशर लगता है, राइट, उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। बी जो प्रेशर सरफेस पे लगाएगा उसको कहेंगे बी का पार्शियल प्रेशर, राइट। और दोनों का सम करेंगे तो आएगा टोटल प्रेशर, बराबर। तो पार्शियल प्रेशर इज इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन ए मिक्सचर। मान लो कोई गैसेस का मिक्सचर है तो उसमें कोई पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। नाउ हेनरीज लॉ, अब पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। तो पहले समझो कि व्हाट इज हेनरीज लॉ। हेनरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस के अंदर सॉल्युबिलिटी और प्रेशर, उनके बीच में रिलेशन दिया। हेनरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने
कौन सी दो क्वांटिटी के बीच में? प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. कौन सी दो क्वांटिटी? प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. गैस का प्रेशर और गैस की सॉल्युबिलिटी, इन दोनों के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया. क्या था रिलेशन? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड. सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. वो तो हमने यहाँ पर देखा, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी. सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, राइट. अब सॉल्युबिलिटी क्या है? गैस का सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन. गैस का डिजॉल्व कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है? तो वो मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं. गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन यूनिट में मेजर करते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसा पहली बार डाल्टन ने बताया. भाई पहली बार डाल्टन ने बताया, डाल्टन हेनरी का कंटेम्प्ररी था, उसी टाइम पे था, बट हेनरी से इंडिपेंडेंटली उसने रिसर्च की. तो इंडिपेंडेंटली डाल्टन ने बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर का नहीं, पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है. और बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. तो ये पार्शियल प्रेशर क्यों लिया वो समझते हैं. मान लो ये सॉल्यूशन है गैस ए गैस बी, तो अंदर ए डिजॉल्व होगा और बी डिजॉल्व होगा, तो अंदर ए की सॉल्युबिलिटी होगी और बी की सॉल्युबिलिटी होगी. गैस के अंदर ए की सॉल्युबिलिटी होगी और गैस के अंदर बी की सॉल्युबिलिटी होगी. अब भाई गैस के अंदर ए की सॉल्युबिलिटी और बी की सॉल्युबिलिटी होगी. अब मान लो हम बी ऐड करते हैं गैसियस फॉर्म में, है ना. गैसियस फॉर्म में हम बी ऐड करेंगे तो यहाँ पर बी का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा. अब बी बढ़ा है तो बी की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ए की सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी. अगर बी का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो बी की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ए का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो ए की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर का फंक्शन है कि पार्शियल प्रेशर का? प्रेशर तो बी ऐड करने से इंक्रीज ही हुआ, बट ए की सॉल्युबिलिटी बढ़ी नहीं. ए की सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी? जब ए का प्रेशर बढ़ेगा. तो सॉल्युबिलिटी इंडिविजुअल प्रेशर पे डिपेंड करती है, न कि टोटल प्रेशर पे. तो रूल दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. और फिर इसको उल्टा कर दो तो हेनरीज लॉ बन जाएगा. तो इसका उल्टा लिख दे तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन. तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ये ए का मोल फ्रैक्शन, तो ये ए का पार्शियल प्रेशर होगा, राइट. अब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट आएगा, बट ये सब काम किसने किया? हेनरी ने. तो उसने कांस्टेंट अपने नाम पे रख लिया, के एच, हेनरीज कांस्टेंट. तो फॉर्मूला बन गया
पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या बना, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बना पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच क्या है, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट। यहाँ पर के एच तो कॉन्स्टेंट है, के एच कॉन्स्टेंट है राइट, पी और एक्स वेरिएबल है, तो इसको इक्वेट करते हैं लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो p वर्सेस x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इक्वेशन लीनियर है, p वर्सेस x उसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। उसका स्लोप होगा kh, p वर्सेस x का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन और स्लोप मिलेगा kh। बोले इसका स्लोप क्या होगा, के एच। तो दूसरी बात, इसका इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा, पीछे कुछ नहीं है देखो, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो वाई इंटरसेप्ट जीरो मतलब इट विल पास थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका स्लोप क्या होगा, के एच। स्लोप क्या होगा, के एच। दूसरी बात, एक्स इज ए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को तो यूनिट नहीं होता, तो इन दोनों का यूनिट सेम होगा, तो यूनिट ऑफ के एच इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब बार, एटमोस्फियर, एमएमएचजी ले सकते हैं। अब ध्यान रखना, अलग अलग गैसेस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग आती है, सेम नहीं आती, डिफरेंट गैसेस के लिए के एच की वैल्यू भी डिफरेंट आती है। के एच मतलब कि के एच इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, गैस चेंज होगा तो के एच चेंज होगा। अब फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो x सामने जाए तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कह सकते हैं कि के एच इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी के एच की वैल्यू कम होगी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, वैसे के एच जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब तो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी राइट, गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन इनवर्स कैसे होगा, अब गर्म करोगे तो गैस उड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं घुलेगा राइट, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो टेम्परेचर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब देखो, के एच जो है वो भी सॉल्युबिलिटी का दुश्मन है, टेम्परेचर है वो भी सॉल्युबिलिटी का दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए के एच और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बट बुक में डिस्क्रिप्शन ये पहले समझाया फिर ये समझाया, उससे ये लिया है, तो आप ये ध्यान रख, अच्छा आगे पीछे लिखो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले ये लिख दो इसका सेंटेंस फिर इसका, दोनों से ये बन जाएगा। तो एक कंक्लूज़न ये निकला, इन्होंने ये समझा ये समझा, उससे ये लिया है, तो उनका कंक्लूज़न क्या है, सॉल्युबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। दैट मीन्स कि जैसे जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, जैसे जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसलिए एक्वेटिक स्पीसीज, जो भी एक्वेटिक स्पीसीज है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, कोल्ड वाटर में ज़्यादा सस्टेन करेगी, हॉट वाटर में या वार्म वाटर में कम, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, वो हेल्प करेगा एक्वेटिक स्पीसीज को सस्टेन होने में। अगर वार्म वाटर है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज जो वाटर के अंदर है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी राइट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ, आप दो तीन बार रिपीट कर लेना। अब एप्लीकेशंस ऑफ या यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के यूजेस क्या है, तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ एक तो इंडस्ट्री में यूजफुल है
और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमिनन एक्सप्लेन करने में यूज़फुल है, एक तो इंडस्ट्री में और बायोलॉजिकल फिनोमिनन जैसे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करता है ये। जैसे कोल्ड वाटर या सॉरी सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने में और मेंटेन करने में हेनरीज लॉ हेल्पफुल है। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ही डिजोल्व होता है वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़े और कंसिस्टेंट रहे उसमें हेनरीज लॉ हेल्प करेगा। कैसे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लो और कांस्टेंट प्रेशर CO2 का दे दो, तो सॉल्युबिलिटी भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट, राइट? तो इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 प्रेशराइज फॉर्म में डिजोल्व करते हैं, मतलब ऊपर से प्रेशर दे के डिजोल्व करते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी बढ़े। ऊपर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। फिर ये अलग से भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन बेंड्स। तो समझते, स्कूबा ड्राइवर आपको पता होगा जो सी में अंदर जाते हैं पर्ल वगैरह फाइंड करने के लिए, राइट? तो स्कूबा डाइवर जो है वो सी के अंदर जाते हैं, तो जब नीचे होते हैं वो, जैसे जैसे नीचे जाते हैं और नीचे होते हैं, तब प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम उन पे? प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों? वाटर का भी प्रेशर है ना, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो जैसे वो ऑक्सीजन ले गए तो उसमें नाइट्रोजन होता ही है साथ में, तो यहाँ पर हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन भी ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा बहुत ज़्यादा। स्कूबा ड्राइवर जब सी के बॉटम पे होंगे तब प्रेशर ज़्यादा होगा, ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इंक्रीजेस। तो जो साथ में ऑक्सीजन बॉटल ले जाते तो उसमें नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा। अब जब वो ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, तो जो ब्लड में डिजोल्व नाइट्रोजन था वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि प्रेशर कम हुआ। नीचे गए तब प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन घुल गया। ऊपर आएंगे तब प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, तो जो नाइट्रोजन डिजॉल्व हो गया है वो बाहर आ जाएगा। तो ब्लड में कहीं भी बाहर आएगा कैपिलरी में बराबर, तो वो गैसियस फॉर्म में, तो कैपिलरी को चॉक कर देगा। जैसे नहीं कभी होता है कि पानी के बीच में अगर एयर आ जाए तो वो पानी के फ्लो को रोक देती है, इसी तरह कैपिलरी में जैसे ही नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में बाहर आ गया तो ब्लड के फ्लो को हिंडर करेगा, राइट? तो उस दैट इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर देम। इस मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं बेंड्स। तो बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन साथ में ले जाते हैं उसमें हीलियम भी ले लेते हैं, तो नाइट्रोजन के बदले थोड़ा हीलियम डाल देते, तो अब नाइट्रोजन कम हो गया, हीलियम तो डिजोल्व ही नहीं होगा और नाइट्रोजन अब ज़्यादा नहीं है तो वो कुछ दिक्कत नहीं देगा। तो क्या प्रपोर्शन होता है ऑक्सीजन के साथ? 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एयर में उतना ही है, नाइट्रोजन के बदले हीलियम ले लिया, राइट? अब ज़्यादा ऊंचाई पे जैसे पर्वत पे लोग रहते हैं या क्लाइंबर्स जो माउंटेन्स पे जाते हैं, तो हाइट पे क्या होगा, हाइट पे प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, आपको पता है 11th में आ गए तो हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो प्रेशर कम होगा तो इससे ऑपोजिट हो गया, प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की ब्लड में सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो अब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम घुलेगा, ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम डिजोल्व होगा,
अब क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कम डिजॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो उनको ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, तो उससे क्या होता है, उनको ब्रीथिंग में दिक्कत आती है, फिर ब्रेन स्लोली काम करता है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, सोच नहीं पाते, राइट। तो इस ये मेडिकल कंडीशन को कहते हैं एनोक्सिया, राइट। तो एनोक्सिया को समझने में भी हेनरीज लॉ हेल्प करता है। तो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। जैसे ये CO2 गैस है, तो ये CO2 का पार्शियल प्रेशर, CO2 का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 एंड प्लस मोल्स ऑफ H2, टोटल मोल, राइट। दूसरा, वाटर जो है उसकी डेंसिटी एक होती है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, मतलब कि उसका जो ml में वॉल्यूम है वही मास ग्राम में होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, और हमको पता है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, अब डेंसिटी एक है तो मास और वॉल्यूम सेम हो। वाटर के अंदर क्योंकि डेंसिटी एक है, जो उसका वॉल्यूम ml में होगा वही उसका मास ग्राम में होगा। तो एक इंटेक्स क्वेश्चन है 2.7, मास ऑफ CO2 डिजॉल्व, मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 ml वाटर, मास ऑफ CO2 डिजॉल्व इन 500 ml वाटर एट 2.5 atm CO2 प्रेशर फाइंड करो। भाई फाइंड क्या करना है, फाइंड दे मास ऑफ CO2 डिजोल्व, CO2 का कितना मास वाटर में डिजोल्व हुआ वो फाइंड करो। वाटर 500 ml है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 2.5 atm, KH गिवन है, KH पास्कल में गिवन है, CO2 का पार्शियल प्रेशर 2.5 atm, तो ये पास्कल में है और ये atm में, तो atm जो है इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो atm को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड विथ 101325, atm को पास्कल में कन्वर्ट करो, 101325 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया पास्कल में, तो ये पी सी ओ टू मिल गया, फिर के एच है आपके पास। अब अज्यूम दैट सी ओ टू के जो डिजॉल्व मोल्स है वो एन है, सी ओ टू के एन मोल्स डिजॉल्व हो रहे, अज्यूम दैट सी ओ टू के एन मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ 500 ml है, एच टू का वॉल्यूम 500 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो मास ऑफ H2O 500 ग्राम। अभी बताया ना, जितना ml में वॉल्यूम उतना मास होगा ग्राम में, ml में जितना वॉल्यूम ग्राम में उतना मास आएगा, मास ऑफ H2O 500 ग्राम, तो मोल्स ऑफ H2O मिल जाएंगे, मोल्स ऑफ H2O मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल्स ऑफ H2O क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 27.78। अब हेनरीज लॉ देखे तो पी सी ओ टू इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स सी ओ टू, सी ओ टू का पार्शियल प्रेशर पी सी ओ टू इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स सी ओ टू, तो एक्स सी ओ टू क्या होगा, पी सी ओ टू अपॉन के एच, एक्स सी ओ टू इज पी सी ओ टू अपॉन के एच, सी ओ टू का पार्शियल प्रेशर ये रहा, के एच की वैल्यू रख दो, ये आ गया एक्स सी ओ टू, मतलब सी ओ टू के मोल, एकदम ईजी है, हेनरीज लॉ इक्वेशन है पी सी ओ टू के एच एक्स सी ओ, ये गिवन है, ये गिवन है, तो ये मिल जाएगा एक्स सी ओ टू मिल गया।
अब एक्स सी ओ टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू, मतलब मोल्स ऑफ सी ओ टू अपॉन टोटल मोल, मोल्स ऑफ सी ओ टू प्लस मोल्स ऑफ एच टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू, मोल्स ऑफ सी ओ टू अपॉन टोटल मोल, मोल्स ऑफ सी ओ टू प्लस मोल्स ऑफ एच टू ओ। अब ये काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनते हैं, तो सी ओ टू के डिजॉल्व मोल वाटर के कंपेयर में बहुत ही कम रहेंगे, तो यहाँ सम में हम सी ओ टू के मोल इग्नोर कर सकते हैं, तो नेग्लेक्ट करते हैं सी ओ टू के मोल, तो बचेंगे वाटर के मोल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स सी ओ टू एन सी ओ टू अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। अब वाटर के मोल पता है 27.78, उसको इस तरफ ले लो तो ये मिल गया एन सी ओ टू। अब कभी कभी मिली मोल पूछते हैं, तो ये 10^-3 के बदले मिली रख दो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मिली मोल। और मास पूछे तो इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 44 से, तो मास मिल जाएगा। टेक्स्ट में हेनरीज लॉ के अंदर ये इंटेक्स क्वेश्चन है, मतलब गिना हुआ नहीं है, और एक समय जो गिना हुआ है तो वो आपको खुद से करना है, राइट। तो ये अभी बहुत ही कोर थियरम स्टार्ट हो गए, राइट, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप रेगुलर प्रिपरेशन करो, 2-3 लोगों के अलावा कोई कर नहीं रहा है, राइट, तो सब स्टार्ट करो, और जिसने 6th चैप्टर नहीं किया है वो टाइम निकाल के वो चैप्टर भी साथ में करते जाओ। थैंक यू।